हेलो फ्रेंड, मैं तृप्ति देसी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा मसाला जो आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। आप इस मसाले का यूज़ चाट मसाले की तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जार लेना है। जार को हमें साफ कपड़े से पोंछ लेना है ताकि उसमें पानी नहीं रहे। अगर इसमें पानी रह गया तो हमारा मसाला गीला रह जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए साबित लाल मिर्च। अब हम ये लाल मिर्च जार में डालेंगे। इसके बाद हमें आधा कटोरी नमक चाहिए, और नमक कोई सा भी हो, सेंधा नमक या सादा वाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने लाल मिर्च भी डाल दी, अब हम इसमें नमक भी डाल दिया। अब हमें चाहिए है लहसुन, तो ये 6 लहसुन की कली मैंने ली है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे नमक का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और ये काली मिर्च पिसी हुई है, आप चाहें तो साबित भी डाल सकती हैं 5-6 काली मिर्च। ये जीरा पिसा हुआ आधा चम्मच, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने 1 चम्मच चाट मसाले का यूज़ किया है इसमें। ये चाट मसाला डाल दिया। ज़रूरी नहीं है कि चाट मसाला आप इसमें डालें, अगर आपके पास हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और ये मैंने काला नमक लिया, 1 चम्मच काला नमक डालना है। अब हमें इसके बाद चाहिए लौंग, तो ये मैंने 5 साबित लौंग ली है, ये मैंने डाल दी इसमें। अब हमारे सारे मसाले इसमें पड़ गए हैं, अब हम मिक्सी में चलाएंगे। और ये देखिए, हमारा मसाला इसके तैयार हो गया है, इतना बढ़िया पिसा है। इसको हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, इसी तरीके से मिर्च के दाने इसमें दिखने चाहिए। अब हम इसे जार में से निकाल लेंगे। फ्रेंड, जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं वो सर्दियों में हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और फ्रेंड, ये हम रायते के लिए और चाट में चाट मसाले की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये मसाला कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए मसाले लेके आती रहूँगी, और ये खाने में बहुत टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।